हम मांस खाना कैसे छोड़ दे, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, चलिए देख लेते हैं। खड़े हो सब लोग, ना खड़े होइए। हाँ बेटा, गुरुजी आप कहते हैं कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए तो लोग कहते हैं कि उसकी संख्या बढ़ रही है। हाँ तो सच है सर। हाँ ये बच्ची कितना अच्छा सवाल कर रही है, जरा सुन लो, फिर से सवाल करो। लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ रही है, लोगों को रहने के, उन लोगों के रहने की जगह फिर कहाँ से मिलेगी। A few moments later, तो उनसे बोलो कि जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो अपने दादा दादी को खा जाओ, अपने बच्चों को खा जाओ, उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसने जन्म दिया है, वही पालन करेगा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये लोग मुर्गी नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगी। ठीक है, अरे भाई किसी की हत्या करना सही नहीं है। आप पलट के जवाब दो कि जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है तो आप मनुष्य भी खाओगे। मैंने कहा था गुरु जी। फिर क्या बोला उनने? वो बोल रही थी कि मतलब कि मनुष्य की बढ़ रही है, लोग और किसी चीज में जाते हैं जैसे कि आर्मी में, तो उन लोगों का खाना जरूरी है। हाँ तो सच है सर। हाँ भाई, जिसे जरूरी है हम उसकी बात नहीं करते, तुम तो ना खाओ, तुम्हें कौन सा जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नायक के सामने इज्तमा में एक हिंदू गुस्से भरे अंदाज में डॉक्टर जाकिर नायक को चैलेंज करते हुए सवाल कर रहा था। इस शख्स ने सबको उनके रिवायती अंदाज में सवाल करने के बाद आते ही डॉक्टर जाकिर नायक को बड़ा चैलेंज कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नायक जिस इज्तमा में मौजूद थे, डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ पर तकरीर के दौरान 20 ऐसे निकात सामने रखे थे दीन इस्लाम से मुतालिक, जिनके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा था कि अगर कोई इनको गलत साबित कर दे या कोई चैलेंज कर दे तो मैं उसको मान जाऊँ। इस सवाल करने वाले ने आते ही कहा था कि मैं उन 20 के 20 सवालों का जवाब दे सकता हूं। चूंकि वो 20 सवाल हैं तो वक्त कम है, लेकिन आप मुझे वक्त दें, मैं आपके सामने चैलेंज में 20 के 20 सवालों का जवाब आपके सामने रख दूंगा। फिर इस शख्स ने इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में इस चीज़ को पहला हिस्सा कहा अपने सवाल का, और कहा कि ये तो हो गया नंबर 1, जरा देखिए। ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल योर 20 क्वेश्चंस, बट दैट विल नॉट अलाउ। Kindly give me chance. Any time you will get the logical answer of all the 20 questions. Number 1. Now, इस शख्स के संदाज पर डॉक्टर जाकिर नायक को भी हंसी आ रही थी। यहाँ तक देखकर इस पूरे मजमे को और डॉक्टर जाकिर नायक को भी लग रहा था कि ये कोई कम इल्म वाला जज्बाती हिंदू है। लेकिन इसके बाद इस शख्स ने अपना दूसरा सवाल इतना जहानत पर मबनी और मुश्किल रख दिया था कि शायद सुनकर आप भी हैरान होंगे। इस शख्स ने कहा था कि दुनिया के जितने भी मजाहब हैं, सभी ये कहते हैं कि खुदा है जिसने ये दुनिया बनाई है, और उस खुदा के सारे उसूलों को मानना चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। इस शख्स ने कहा था कि ज़िंदगी जीने का खुदा ने एक फार्मूला दिया है। इस शख्स ने अभी यहीं तक गुफ्तगू की थी कि प्रोग्राम के मेज़बान ने अचानक से मुदाखलत करना शुरू कर दी और कहा कि एक वक्त में एक सवाल किया जाए, आप बहुत लंबा सवाल कर रहे हैं, जरा बहस के ये मनाजिर देखिए, फिर इसका ये मुश्किल सवाल आपके सामने रखा जाएगा। No, what is given by the God, the rules formed up by the God, एक सीधी सी बात है कि जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो उन्होंने हमारे लिए कुछ व्यवस्था भी की है। मैं आपको क्वेश्चन, आई वुड अप्लाई द सेम रूल आई अप्लाई टू द लास्ट स्पीकर। वन मिनट योर क्वेश्चन इन 5 सेंटेंस। अज्यूम डॉक्टर जाकिर एंड मिस्टर ज़वेरी नो द बैकग्राउंड, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, 6 सेंटेंसेस प्लीज। आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन ओनली, तो भगवान ने हम। उसके बाद इस शख्स ने अपनी रिवायती जबान हिंदी में गुफ्तगू शुरू कर दी और कहा कि जो भी भगवान या खुदा है, उसने इस दुनिया को बनाया है और रहने का एक फार्मूला दिया है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें हवा, पानी और खाना है। अगर हवा देखा जाए तो दुनिया में मौजूद है और हम सब सांस लेते हैं। पानी देखा जाए तो पानी वाफर मकदार में है। और अगर खाने की बात की जाए तो इस दुनिया को बनाने वाले ने खाने की तकसीम भी बहुत अच्छी की है। मिसाल के तौर पर अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो सर्दी का इलाका है, वहाँ गर्म खुराकें चाहिए, लिहाजा ड्राई फ्रूट वहाँ पर होते हैं। जबकि आपसी जानब राजस्थान है जो कि गर्म इलाका है, वहाँ ज़्यादा पानी वाले फल चाहिए, तो भगवान या खुदा या अल्लाह ने वहाँ पर तरबूज रखे हैं, उन्हें खाकर इंसान बड़े आराम से ज़िंदा रह सकता है। मगर इन्हीं मजाहिब के मानने वाले इंसानों ने, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन सब लोगों ने मिलकर दुनिया को ऐसा कर दिया है कि वही चीज़ जो उस इलाके में सस्ती मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा मकदार में पैदा होती है। ऐसे करके तो हम दुनिया के बनाने वाले के उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। इस शख्स की जबानी ये सवाल आप भी सुनिए।
भगवान ने हमारे जो भी कुछ दिया है उन्होंने कुछ रूल फॉर्म करके दिए है, जैसे कि हमारे लिए सबसे एसेंशियल बात है हवा की, वो प्लेंटी ऑफ हवा इज अवेलेबल, अबंडेंट हवा इज अवेलेबल, उसके बाद पानी रहता है, पानी वेयर योर यू गो पानी इज अवेलेबल. नाउ अदर थिंग इज फूड व्हिच इज व्हिच आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन. द फूड भगवान हैज गिवन अस द फूड आल्सो. जो कश्मीर में है हमारे लिए, कश्मीर में है इलाके के मुताबिक दिया है, कश्मीर में है हमारे लिए आलमंड्स दिए है, काजू दिए है, बादाम दिए है, पिस्ते दिए है, जाके वहाँ जरूरी है. वन सेकंड, राजस्थान में जाओ आपको वहाँ वो टेम्परेचर के मुताबिक आपको खरबूजा मिलेगा, तरबूजा मिलेगा. यहाँ हमारे लिए वन सेकंड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, यहाँ हमारे लिए हलवा बना के केले पे ऊपर रख दिया और व्हाट एवर इजीली इज अवेलेबल ही हैज गिवन इज प्लेंटी. Now, whatever he has given is plenty is cheaper, and whatever he says, no, it is not to be taken or it is restricted, should be he has made it costly. So, are we following the rule of the God? दोस्तों आपने शख्स का सवाल सुन लिया. डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत गौर से सुना और मुस्कुराते हुए सुना. सवाल खत्म होते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिलचस्प अल्फाज कहे, जरा देखिए. Sir, what is your question on this topic? Very good. Understood. Very, I understood the question. Very long question. Very good question. See, I'm in the field. दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और पहले सवाल पर आए जिसमें शख्स ने कहा था कि 20 के 20 सवालों का जवाब वो लॉजिक के साथ दे सकता है. इसने बहुत गुस्से से कहा था. डॉक्टर जाकिर नाइक की बॉडी लैंग्वेज में भी गुस्सा नजर आ रहा था. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे बहुत से तालिबे इल्म हैं, मैं उनमें से किसी एक को कहूंगा कि वह आपसे मुकाबला कर ले IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में. सवाल करने वाले ने चैलेंज को फौरन से कबूल कर लिया. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा, रख लें, अगले इतवार को रख लेते हैं, मैं नहीं मेरे तालिबे इल्म से मकालमा होगा. इस आदमी ने आगे से कहा, मैं तो किसी के भी मुंह पे जवाब देकर मार सकता हूं. डॉक्टर जाकिर नाइक ने चैलेंज कबूल करने के अंदाज में कहा कि इतवार का दिन 10:30 सुबह डन कर दें, डन है. जो फॉर्मेट इस मनाजरे का है यही फॉर्मेट होगा, मेरा एक तालिबे इल्म आपसे मनाजरा करेगा, देख लेते हैं. I have got various students in this field. I'll ask one of my students to have a dialogue at IRF. If you want, any time, which day? Next Sunday. Next Sunday. Not me, my student. Next Sunday. I can have answer to anybody. Next Sunday. Anybody. Next Sunday. Anybody. Okay, done. Next Sunday you are invited. What's your name? Brother, your name? Everything will be given. Mr. Bade will come to IRF at 10:30. Fine. 10:30 morning, Sunday. Same format here, and my student will debate. Anyone? Same topic. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अंदाज पर पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरे सवाल को मैं सादे अल्फाज में बयान करता हूं. आपने कहा कि दुनिया बनाने वाले ने हर चीज दे रखी है और बहतात में दे रखी है, और जिस इलाके में जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो उतनी ही ज्यादा दे रखी है. मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं, और जिस इलाके में जो चीज जितनी मिलती है वो वहीं से खानी चाहिए, दूसरे इलाकों में नहीं भेज देनी चाहिए. और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज पे बैठे एक हिंदू पंडित की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आप इनको समझाएं जरा, ये कहते हैं कि वेजिटेरियन बनना चाहिए, सब्जियां सहराओं तक पहुंचा दो. डॉक्टर जाकिर नाइक इस बर्जस्ता अंदाज पर हॉल तालियों से गूंजने लगा. ये दिलचस्प मनाज़िर देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं. राइट, वाटर, एवरीथिंग इजीली अवेलेबल, सो व्हाई गो फॉर थिंग व्हिच अनइजीली अवेलेबल एंड कॉस्टली. वेरी गुड क्वेश्चन, दैट यू हैव टू पॉइंट आउट टू मिस्टर झवेरी, ही इज टेलिंग दैट वेजिटेबल्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू आर्कटिक सर्कल. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लाम और मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो दस्तयाब है वो खा लिया जाए, बस वो हलाल होना चाहिए. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि जब एक इलाके में सस्ती चीज दस्तयाब है तो महंगी चीज क्यों खाई जाए, ये बहुत अजीब सा सवाल है. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये इतनी ही अजीब बात है जैसे आप एक अमीर आदमी से पूछें कि आप इतने महंगे और बड़े बड़े घरों में और बड़े महंगे इलाकों में क्यों रहते हैं, सस्ते इलाके जैसे मीरा रोड है वहां पर आएं, इतना सस्ता मिल जाएगा, आप वहां क्यों नहीं रहते. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सोचा जाए तो अल्लाह ताला ने किसी अमीर इंसान को दिया है तो आप उसे कौन होते हैं कहने वाले कि जाकर सस्ते या गरीबों वाले इलाके में रहे, ये उसका अपना इख्तियार है, अल्लाह ने उसको दौलत दी है वो जहां मर्जी जाकर रहे. गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था. तो पंडित जी का एक रिप्लाई था कि यार आर्मी वाले खा सकते हैं लेकिन आप लोग मत खाओ. तो यार ऐसा तो नहीं है कि आर्मी वाले खाएंगे तो उन्हें पाप नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो एक ये लॉजिकल रिप्लाई नहीं था पंडित जी के तरफ से। और अगर भगवान नहीं चाहता कि हम नॉनवेज खाए तो यार मांसाहारी जानवर को क्यों पैदा करते, और इस पे क्या है जो ये पंडित जी है और ऐसे जैसे पंडित जी के भक्त है वो रिप्लाई देते हैं कि यार जो मांसाहारी जानवर है वो जीभ से पानी पीते हैं तो आप भी पीते हो क्या, तो वो एक लॉजिकल रिप्लाई नहीं है। बात ऐसा नहीं है कि वो जीभ से रिप्लाई पीते पानी पीते हैं सॉरी तो वही मांस खा सकते हैं, ठीक है। और एक तरफ डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई था वो बहुत बेहतरीन था कि यार डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बोला कि जो चीज हमारे लिए हलाल है, जो खाने लायक चीज है वो हम खा सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसे कि इस्लाम में बोला जाता है कि चाहे कोई भी इंसान, चाहे वो आर्मी में हो या ना हो, लेकिन जो इस्लाम का रूल है वो हर इंसान के लिए बराबर है, तो ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर जब एक इंसान जो नॉनवेज खाता है उसको पाप पड़ता है तो फिर आर्मी में अगर वो खा रहा है तो उसको पाप नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान खाता है तो उसको पाप पड़ रही है, तो बिल्कुल ही नाइंसाफी हुई, ठीक है। तो ये चीजें देखना चाहिए और पंडित जी को अच्छे से आंसर देना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बोला। और ये चीज भी है कि हमारे क्रिएटर ने बहुत ही परफेक्टली हर चीज डिवाइड की है, जहाँ पे गर्म जगह है तो वहाँ पे थोड़ी ठंडी चीजें पैदा की है, और जो ठंडी जगह है वहाँ गर्म चीजें पैदा की है, तो ये चीजें हर चीज जो है यहाँ पे वो हमारे खाने के लिए ही है। अगर हमारा भगवान चाहता, हमारा क्रिएटर चाहता कि हम नॉनवेज ना खाएं तो वो हमें डाइजेस्ट करने की शक्ति सिस्टम ही क्यों देता। यस गाइस, सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हो, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स पता नहीं नाराज हो गए कि क्या बात है, वो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।